नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा पेशेंट एजुकेशन के बहुत सारे वीडियोस लेकर आता हूँ और ये मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सब लोगों को हड्डी, नस, जोड़ एवं मांसपेशी संबंधित वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिससे आप लोगों को इन बीमारियों के बारे में पता चले। तो पेशेंट एजुकेशन सीरीज की इसी कड़ी में मैं आज आपसे बात करूँगा कंधे में लगने वाले इंजेक्शंस के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं देखा होगा आसपास कि कंधे में कई प्रकार के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो कंधे में किन किन परिस्थितियों में इंजेक्शन का यूज किया जाता है या वे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं जो आपके कंधों में सुई या इंजेक्शन के माध्यम से लगाए जाते हैं, वे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनसे आपको राहत के लिए कंधे में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले कंधे में लगने वाले इंजेक्शन में क्या क्या अलग अलग प्रकार की दवाएँ यूज होती हैं, इसको हम जानते हैं। कंधे में आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ पर जब आप छोटे रहे होंगे या अपने घर में कभी भी किसी को कोई बुखार या किसी प्रकार की बीमारी होती है तो कई बार आपके डॉक्टर यहाँ पर आपको सुई इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो इंजेक्शन मूल रूप से जो यहाँ पर लगता है, ये मुख्य रूप से दर्द या बुखार को कम करने के लिए लगाया जाता है। इसको हम पेन किलर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप का इंजेक्शन है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन जो कंधे पे लगाई जाती है, वो होती है आपके कंधे में होने वाले बहुत सारे बीमारियों के बारे में। ये जो इंजेक्शन आपका लगता है, ये आपके बुखार या फिर फीवर या फिर किसी प्रकार की पेन को रिड्यूस करने के लगाया जाता था यहाँ पे जो लगाया। बट जो आपके कंधे के जॉइंट्स में यानी जोड़ पे जो आपके कंधों को हिलाती है, यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो मुख्य रूप से फ्रोजन शोल्डर यानी आपका जब कंधा जाम हो जाता है या फिर आपके यहाँ के जो रोटेटर कप के टीयर्स होते हैं उनको भरने के लिए या इस किसी प्रकार के मांसपेशियों की जो चोट होती है उसको ठीक करने के लिए या फिर अंदर में किसी प्रकार के कार्टिलेज का डैमेज होता है तो उसको ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन वहाँ पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, कंधे में लगने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो जो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं या आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो डिफरेंट मेथड से लगाते हैं। जैसे कई बार आप यहाँ से भी अप्रोच करते हैं जॉइंट्स को, कई बार आगे से अप्रोच करते हैं और कई बार पीछे से अप्रोच करते हैं, बट सारे माध्यमों में जो इंजेक्शन होता है वो आपके जोड़ों पे ड्रग को पहुँचाया जाता है। यानी जो मूल रूप से इसका जो सिद्धांत है वो यही है कि जो भी ड्रग है वो आपके जोड़ों तक पहुँचे और जोड़ों में होने वाली जो भी परेशानी है, जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी वहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर जो भी किसी प्रकार का डैमेज है उसको ठीक करने के लिए जोड़ों में इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या ड्रग्स यूज़ किया जाता है तो मूल रूप से बहुत बार जो क्रॉनिक फ्रोजन शोल्डर होते हैं या फिर कोई बहुत लंबी बीमारी होती है तो उसके लिए जो ड्रग्स जो यूज़ किया जाते हैं वो मूल रूप से सबसे स्टेरॉयड का यूज़ किया जाता है और दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स यानी जो सुन्न करने की दवाई। इन दोनों का जो कॉकटेल या मिक्सचर बना के ही हम हड्डी के कंधे के जोड़ में हम ड्रग्स को पहुंचाते हैं जिससे वहाँ पे जो स्वेलिंग हो जल्दी जल्दी ठीक हो सके। इसके अलावा जो आपके रोटेटर कफ या जो भी आपके मांसपेशी यहाँ की जो आपके कंधों को ऊपर उठाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी इंजरी हो, ऐसी इंजरी जिसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो, यानी जो जो भी चोट है वो छोटी चोट हो, तो वहाँ के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके ब्लड से ही सेंट्रीफ्यूज करके बनाया जाता है और ये इस जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर होते हैं जो आपके ही टिश्यू के जो सूजन है या फिर वहाँ के जो भी इन्फेक्शन है उसको कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक बहुत ही कारगर मेडिसिन की तरह यूज हुई है जिसे हम हेयर ट्रांसप्लांट में भी या छोटे मोटे घावों को भी भरने में यूज़ करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में जो PRP का यूज़ होता है वो कई बार बोन को जोड़ने के लिए जो नॉन इन होते हैं उनके लिए या कई बार जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। PRP आपके ही ब्लड से बनाया जाता है इसलिए आप इसमें किसी प्रकार कोई रिएक्शन नहीं होता और आपको इससे जल्दी राहत मिलती है और आपका टिशू या इस टिशू को आपका जो बॉडी है बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है और किसी प्रकार कोई रिजेक्शन वाली इसमें घटना नहीं होती, इसलिए PRP बहुत ही कारगर सिद्ध होती है बहुत सारे मामलों में, कंधे के रोटर कप टीयर के मामलों में। दोस्तों, तो ये तो हो गए इंजेक्शन लगाने के प्रकार और कैसे कैसे ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, किन किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मुख्य रूप से रोटर कफ और
फ्रोजन शोल्डर के लिए हम इस प्रकार के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा फ्रोजन शोल्डर और कंधे में लगने वाले इंजेक्शन के बारे में दी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी ऑर्थोपेडिक की जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।